हाँ जी हाँ जी तो लोकपाल जी उनका तैयार होने देगी कौन और मेरे अंदर नहीं होने है लोकपाल जी जो रखा है उन्होंने फिर बाबा काय के लिए आया हुआ है भ्रष्टाचार अन्ना हजारे मिल रहा मिटा देंगे और शिष्टाचार आ जाएगा तो शिष्टाचारी बनाने वाला और शिष्टाचारी दुनिया लाने वाला अन्ना हजारे का आ जाएगा। दुनिया को शिष्टाचारी कौन बनाता है? एक बाप के सिवाय और कोई तो शिष्टाचारी बना ही नहीं सकता। और बाबा ने बोला है कि जन्म कण दुकान वस्तु सबको चार आपका होना है। हाँ जी हाँ तो जो मानसरोवर है वहाँ पानी चार फुस कितने फसल होता है? हाँ तो उसको तो चार फुस कितने फसल होता है तो डिस्ट्रिक्ट वाटर रहता है ना। हाँ तो हर एक चीज है ना चार फुस फसल होती है इस जिले की। हाँ तो मानसरोवर में जल है। हाँ चार होता है कैसे सत्युग में स्टेज और होती है त्रेता में स्टेज और हो जाती है। अभी मानसरोवर से जो नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी उसमें मिट्टी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिर और बाबा ये अन्ना हजारे की इससे भ्रष्टाचार खुलने गए और कम हो गया। अरे बोल तो उसने पूछा कम हो गए प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास है कि अविश्वास है? है क्या है अविश्वास है तब तो पूछते हैं। एक भगवान के सिवाय कोई शिष्टाचारी दुनिया बना सकता है क्या? शिष्टाचारी तो देवताएं होते हैं। मनुष्य को देवता बनाना किसका काम है? एक भगवान का काम है। दुनिया में 2500 वर्ष में जाने कितने कितने आए नाक रगड़ के चले गए और दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। ये जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का काम नहीं है, ये तो उस आत्मा का काम है जो सुप्रीम सोल है। जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं है। और अजी क्या हुआ अन्ना आ जा रहे हैं बुद्धि ठहर गई? ऐसी बात है आज की मुद्दे में हमें आया था कि वीडियो का रिस्पेक्ट पापी बन सकता है पापी मान पा सकते हैं है। तो आज के तुम साल महाराज जैन जैन लोगों के तो सावित्री महाराज ना उनके घूमते
तो उन्होंने झाड़ पर लेके दवाई ली होगी ना, तो वैसे अपने क्रिमिनल नंबर रिक्वेस्ट किया उसे किस पे उन्होंने पाप निरुपण पड़ सकता है इसका। तुम कोई दवाई नहीं लेते हो? दवाई नहीं लेते। कोई दवाई नहीं लेते? हम सुबह को दवाई है, सुबह को ज्ञान की दवाइयाँ लेते हैं कि नहीं? तो फिर लेकिन वो उनको पता नहीं ना है, उनको पता नहीं सुबह के बारे में। दुनिया की बातें छोड़ दो ना बाबा, वो गांधी कहता था कि हम राम राज्य लाएंगे परंतु राम राज्य तो ला नहीं सका, और ही रावण राज्य आ गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा था जो कहते तो थे कि मैं नई दुनिया में राज्य करूंगा, कृष्ण के रूप में जन्म होगा, 16 कला संपूर्ण बनूंगा, फिर क्या हुआ? राम राज्य लाऊंगा। क्योंकि वो राम तो फेल हो गया, यही तो कहते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते थे। मैं राम राज्य लाऊंगा, वो राम तो फेल हो गया, फिर क्या हुआ है? राम राज्य लेके छोड़ गए कि और ही रावण राज्य होता जा रहा है, हिंसक राज्य बन रहा है या अहिंसक राज्य बन रहा है, है? और ही हिंसक राज्य बनता जा रहा है। गंध से बनता है गांधी, फ्रिक्शन अभी अभी जो पड़ रहा है पति पत्नी के बीच में, ब्राह्मण परिवार के बीच में, उसका मुख्य कारण क्या है? है? क्या कारण है? इम्प्योरिटी। शुरू से लेकर के अंत तक भी यज्ञ में जो भी विघ्न पड़ते हैं, फ्रिक्शन पैदा होता है, उसका कारण होता है इम्प्योरिटी। ये पवित्रता की बात बुद्धि में बैठती नहीं है जल्दी। पवित्र किसे कहा जाता है, अपवित्र किसे कहा जाता है? सन्यासियों की बात है, सबकी बुद्धि में बैठी हुई है। घर गृहस्थ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, समझते हैं, सब समझते हैं ये पवित्र रहते हैं। बाप जो पवित्रता सिखाना चाहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। यज्ञ के आदि में यही झगड़ा हुआ, और सिकंदर का अर्थ क्या है? सिकंदर और सिकंदर कौन है भैया? सिक माने बीमार, अंदर माने अंदर, अंदर में जो बीमार था। सिकंदर ने हिंसा फैलाई या अहिंसा फैलाई? तो बीमार था,
इसलिए उल्टा रास्ता पकड़ा। या ऐसे उल्टा रास्ता पकड़ने वाले कोई भी विश्व के मालिक नहीं बन सकते। और इस्लामी था क्या मुस्लिम था? किसका इस्लामी था वो मुस्लिम था? सिकंदर तो पुरानी बात है, उस समय क्राइस्ट से पहले की बात है। इस्लामी खिसक करके पहुंच गए थे यूरोपीय देशों में, फिर क्राइस्ट आया। क्राइस्ट को तो 2000 साल हुए और सिकंदर 2000 साल से पहले का है या बाद का है या उस समय का है? पहले का है। और जब चाणक्य हुआ तब घनानंद भी हुआ। कोई ने पूछा है बाप बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाकर छिप क्यों जाते हैं? है? क्यों छिप जाते हैं? है? आज भी जवाब आया मुरली में, क्या जवाब आया है? किस लिए छिप जाते हैं बच्चों को? हाँ, बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए छिप जाते हैं। सन सोस फादर एंड फादर सोस सन्स, और बच्चे कहाँ छिप के जाएंगे? और बच्चों के लिए बाप त्याग करता है या बाप के लिए बच्चे ज्यादा त्याग करते हैं? दुनिया की परंपरा क्या रही है? माँ बाप ही बच्चों के लिए ज्यादा त्याग करते हैं, इसलिए स्वर्ग उन्हें तमन्ना नहीं रहती मेरे बच्चे स्वर्ग भोगे। दुनिया में भी तो सभी बाप यही चाहते हैं पीढ़ियों तक हमारे बच्चे फले फूले सुख भोगते रहे। अमृत बेले का समय एक बजे से तीन बजे तक ही क्यों? ऐसा तो नहीं है, अमृत वेले का टाइम जब से सूर्य उदय होना शुरू होता है तब से लेकर जब तक संपूर्ण उदय न हो जाए, सारी दुनिया कहने लगे सूर्य उग आया, तब तक है। तो कई बजे सूर्य उदय होता है? है? जो सारी दुनिया कहे कि हाँ उग गया है, कई बजे? क्या देखा नहीं है क्या? कई बजे उदय होता है? 5 बजे से 6 बजे के बीच में सर्दियों गर्मियों में आधा घंटे का पौन घंटे का अंतर पड़ता है।
तो 5 बजे, 5:15 बजे ये सूर्योदय का टाइम है। जो सब कहेंगे हाँ सूर्य है तो, उससे पहले का टाइम है अमृत वेला, वो अमृत वेले सब नहीं उठते हैं। जो ज्ञानी ध्यानी आत्माएं होती है, तपस्वी आत्माएं होती है, वो ही उठ पाती है। क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष होता है, उसकी प्रत्यक्षता से पहले ज्ञान की सारी किरणें आगे आगे दौड़ती है। जो अंधकार को नाश करती जाती है, जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में रात्रि के 12 बजे का टाइम संक्षेत्र है, छत्तर से विदेशियों ने जान तो लिया कि ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, परंतु कमी ये आ गई कि वो जानते हुए भी सो गए। इसलिए दुनिया अंधकार में ही रहती है। वो ही विदेशी जब सूर्य उदय हो जाता है तो फिर जाग जाते हैं। भारतवासी, उनका निश्चय अटल हो जाता है, निश्चय बुद्धि विजयते, विश्वासम फलदायकम, एक बार विश्वास बैठ गया तो हिलता नहीं है। भगवान बाप ज्ञान सूर्य जब आते हैं तो वो मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? नहीं। किसके द्वारा मनन चिंतन मंथन होता है? बच्चों के द्वारा। जो नंबरवार बच्चे हैं, शक्तिशाली बैटरियां हैं, वो मंथन करती हैं, अपने अंदर अमृत भरती हैं। वो अनेक जन्मों तक सुख भोगती है। ये ज्ञानामृत का ही सुख चलता है। ये भगवान सूर्य का प्रकाश है। इस प्रकाश को जितने जितने जितना ज्यादा ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने का तरीका ही है मनन चिंतन मंथन। जितना हम दूसरों को सुनाते हैं उतना मंथन हमारा ज्यादा चलता है। जितना सेवा में लगे रहेंगे उतना मन बुद्धि मंथन भी करती रहेगी। सबके अनुभव की बात है। तो ये मंथन ही अमृत का काम करता है। जिसे कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसे नहीं कि ज्ञान सूर्य उदय होने से पहले सबको अमृत बांट देता है। नहीं, जो जागते हैं वो पाते हैं, जो सोते रहते हैं
को नहीं प्राप्त करते। और तो एक से तीन तक का अमृत बेला नहीं है, एक से पांच सवा पांच तक का अमृत बेला है। जब तक ज्ञान सूर्य पूरा उदय न हो तब तक दुनिया ससोपंज में रहती है। विदेशी आत्माएं तो ज्यादातर सोती ही रहती है। वेद में भी ज्ञान सूर्य उगेगा, तो पहले एडवांस के ब्राह्मण जगेंगे कि दुनिया वाले जगेंगे? पहले एडवांस में जो ब्राह्मण अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, इधर उधर की विष्णु पार्टियों में फैले हुए पड़े हैं, उनकी बुद्धि में बैठे, फिर बेसिक ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठे। ये सब भारतवासी हैं या विदेशी हैं? हैं? विदेशी हैं। भले कन्वर्ट होने वाले हैं, तो देवताएं कन्वर्ट होते हैं या जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं? देवताएं ही कन्वर्ट होते हैं। तो कन्वर्ट होने वाले भी सब भारतवासी हैं। बाद में विदेशियों का नंबर लगता है जो अपने धर्म के पक्के हैं। जब उनके धर्म पिताएं निकलेंगे तो उनके पीछे पीछे वो भी निकलेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम का अर्थ क्या है? चैरिटी माने खैरात, दान पुण्य। बिगिंस एट होम माने घर से, घर से शुरुआत करनी चाहिए दान पुण्य की, नहीं तो दुनिया हंसेगी। इनके अपने घर के लोग तो भूखों मर रहे हैं और दूसरों को दान दे रहे हैं। तो घर के कौन हैं? जिनको पहले दान पुण्य करना है। और बाहर के कौन हैं? जिनको बाद में करना है। कौन है घर के? हैं? लोग समझते हैं कि घर के वो हैं जिस घर में हमने शरीर में शरीर से जन्म लिया है। अरे शरीर से जन्म लिया है वो घर है? घर में शांति होती है या अशांति होती है? जिस आखिरी जन्म में 84वें जन्म में जिस घर में शरीर ने जन्म लिया वो अशांति का घर है या शांति का घर है? सबसे जास्ती दुख और अशांति का जन्म है 84वां जन्म। वो घर के संबंधी हमारे संबंधी नहीं है असली, वो घर के भांति नहीं है, वो हिसाब किताब पूरा करने वाले हैं। सुख शांति का घर तो
जो आत्माओं का बाप है और उसके बच्चे हैं, आत्मिक रूप में स्थित होने वाले, वो ही हमारा घर है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम माने दान पुण्य करना है। सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान और योग दान। तो ब्राह्मणों की दुनिया में किसके प्रति हम पहले चैरिटी बिगिंस एट होम करें? भला अव्यक्त बाप दादा ने बता दिया लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं है। विजयवाला का आवाहन करो। क्यों बताया? क्यों नहीं बताया कि लौकिक संबंधियों का आवाहन करो? ये तो बताया कि तुम्हारे सारे लौकिक संबंधी भी ज्ञान में चलेंगे। लेकिन आवाहन करने के लिए विजयमाला को बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि वो आत्माओं के घर की बात है। आत्मा का कनेक्शन एक जन्म से है या अनेक जन्मों से है? अनेक जन्मों से है। तो अनेक जन्मों में हमारे अनेक घर हुए, उनमें भी जिन जन्मों में हमको सुख की प्राप्ति हुई है वो ही हमारे असली घर है, क्योंकि उस सुख में शांति भी समाई हुई है। जैसे परमधाम में शांति ही शांति है, वैसे हमारे जो असली घर है वो सतयुग है, वो त्रेता है, जहां हमने सुख और शांति ही भोगी है उन घरों में। वो हमारा आत्मिक परिवार है। तो उसके लिए कहेंगे चैरिटी बिगिंस एट होम। तो परिवार को पहचानना जरूरी है कि नहीं है? किस आधार पर पहचानेंगे? पहचानने का आधार क्या होगा? अरे अरे बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध होना चाहिए। बाप से जिनका संबंध नहीं, संपर्क नहीं, संसर्ग नहीं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। पहले दूसरा प्रश्न है, भरतनाट्य पेनी का क्या मतलब है? जैसे आज की दुनिया में पाई पैसा चलता था, वो पाई पैसा बहुत कम कीमत का माना जाता था। ऐसे ही उससे पहले कौड़ियां चलती थी, सबसे कम कीमत वाली मानी जाती थी। जैसे बाबा भी कहते हैं बर्थ पाउंड और बर्थ पेनी। बर्थ माने कीमत, पाउंड ज्यादा कीमत का होता है, पेनी की कोई कीमत नहीं। तो भरतनाट्य पेनी का मतलब है कि कोई कीमत नहीं। इसलिए बताते हैं कि मनुष्य की जो जयंतियां मनाते हैं अथवा देवताओं की भी जो जयंतियां मनाते हैं वो भरतनाट्य पेनी है, उनकी कोई कीमत नहीं है।
प्रत्यक्षता रूपी जयंती जो शिव बाबा की है वो बर्थ पाउंड है, उसकी बहुत कीमत है, क्योंकि सारी दुनिया का उद्धार होता है उसके प्रत्यक्ष होने से। भक्ति मार्ग में शंकर के चित्र में दिखाते हैं कि उनके गले में बेल का पत्ता है, वो गले पर क्यों दिखाते हैं? बेल किसको कहा जाता है? है नहीं, वो तो तीनों पत्ते हो गए, लेकिन बेल क्या चीज है? फल है, वो श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल है किसकी यादगार है? नहीं, श्रेष्ठ फल वो है जो पेट को दुरुस्त कर देता है, पेट की सारी बीमारियां दुरुस्त हो जाती है। स्त्री लक्ष्मी को कहा जाता है, तो लक्ष्मी हो गई श्रीफल। लक्ष्मी के द्वारा जो ज्ञान का सेवन कराया जाता है उससे सब के बुद्धि रूपी पेट दुरुस्त हो जाएंगे। कोई के बुद्धि रूपी पेट में कोई विकार नहीं रह जाएंगे। उसके पत्ते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा जैसी आत्माएं, विष्णु जैसी आत्माएं, शंकर जैसी आत्माएं जो गले का हार बनती हैं। किसके गले का हार? भगवान के गले का हार। शिव शंकर भोलेनाथ को ही भगवान कहा जाता है, कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता है। राम के गले में, कृष्ण के गले में बेल का पत्ता नहीं दिखाते हैं, किसके गले में दिखाते हैं? शंकर के गले में दिखाते हैं। बेल फल कच्चा है तो कड़वा है, और जब एडवांस ज्ञान सुन के पक जाता है तो मीठा हो जाता है। कच्चा फल भी अगर योग अग्नि में भून करके खाएंगे तो भी अच्छा लगता है, मीठा हो जाता है। शास्त्रों में बोला गया है कि शिव के बैल को सांप ने बचा लिया, इसका अर्थ क्या है? सांप कौन है? है वो सांप कौन है? है? अरे
एक हैं या पांच हैं? एक सांप ने बचा लिया या पांचों ने बचाया? एक ने बचाया। सागर मंथन दिखाते हैं तो सागर मंथन में रज्जु के रूप में क्या दिखाया है? रज्जु माने रस्सी, सांप दिखाया है। और मथानी के रूप में क्या दिखाया है? पहाड़ दिखाया है, मंदराचल पर्वत। और सांप का नाम वासुकी नाग। जैसे संस्कृत की गीता है तो वासुदेव किसका नाम है? वासुदेव है, कृष्ण का नाम है वासुदेव। तो भक्ति मार्ग में समझते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में वासुदेव कृष्ण है। वासु माने वसु का बच्चा। किसका बच्चा? वसु का बच्चा। वसु कहा जाता है धन संपत्ति को। कौन है धन संपत्ति देने वाला? वसुदेव। जो इस जेल की दुनिया में आता है उसके लिए ये दुनिया जेल है या अपना घर है? जेल है ना शिव बाबा के लिए। कहते मुझे आना पड़ता है। पड़ता है माने मजबूरी में आता है, तो जेल हो गई ना। तो वसु का आ जाता है वसुदेव, माने धन संपत्ति देने वाला देव। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान धन संपत्ति देने वाला देव। और उसका बच्चा वासुदेव। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, ऐसे ही वसु का बच्चा वासुदेव। तो अर्थ क्या हुआ? दुनिया तो समझती है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, लेकिन हमें तो मालूम पड़ गया कि कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान किसने दिया? है शिव बाबा ने दिया। तो वसुदेव कौन हुआ? शिव बाबा हुआ वसुदेव। और वासुदेव कौन हुआ? है? अरे वासुदेव कौन हुआ? है जिसने बाप का धन ग्रहण किया 100%, वो हो गया वासुदेव। ऐसे ही वासुकी। वासुकी किसका बच्चा हुआ? वसु। वसु का बच्चा वासुदेव। ऐसे ही वासुकी को नाग का नाम है। सागर मंथन में जो नाग दिखाया हुआ है उसका नाम है वासुकी। उसका मुंह पकड़ा किसने? असुरों ने। और पूंछ पकड़ी देवताओं ने। क्या मतलब हुआ? कि जो आसुरी आत्माएं हैं वो मुंह पकड़ती हैं। ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, मुंह पकड़ने वाली बात हो गई। और जो देव आत्माएं हैं वो कोई प्रश्न उनको नहीं आता, जैसा बोला वैसे पीछे पीछे चलना है। उनको कहते हैं पूछ पकड़ना, फॉलो करना।
तो कौन हुआ वो सांप? वो सांप कौन सी आत्मा हुई? रामबली आत्मा हुई। जो मंदराचल पर्वत है उसके ऊपर एक चित्र दिखाया है, कौन है वो आत्मा? मंदराचल, अचल माने पहाड़, मंद माने मंद बुद्धि। किसका चित्र है? ब्रह्मा का चित्र। और नीचे कौन है मथानी के नीचे? है कछुआ, कच्छ अवतार। वो किसका अवतार दिखाया गया? विष्णु। तो तीनों देवताएं दिखाई दिए हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में। सर्प रज्जु के रूप में अभी खींचतानी हो रही है, असुर अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन खींचने का तरीका उनका प्यार का है या खींचतानी का है? प्यार का तरीका नहीं है, जैसे कोई थप्पड़ मारता है प्रश्न कर करके, ऐसा तरीका है। और देवताओं का तरीका क्या है? हैं? जय विधि राघे राम, ताई विधि रही है, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे। तो रज्जु हो गई कौन है? शंकर का जो रूप है वही है रज्जु का रूप। वासुकी, तो बोला है कि शिव के मंदिर में जो लिंग है वो किसकी यादगार है? वासुकी की यादगार, राम वाली आत्मा की यादगार। शिवलिंग किसकी यादगार है? वो बड़ा रूप है, बिंदु है शिव की यादगार, जो सोमनाथ के मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था। और लिंग है साकार की यादगार, जो कृष्ण वाली आत्मा है बैल के रूप में दिखाई गई है, उसको बचाता कौन है? बाप ही बच्चे को बचाएगा, नहीं तो घर में आग लगती है, काम विकार की आग लगी हुई है, उस घर में से बच्चे को कौन बचाएगा? माँ तो डर के मारे भाग जाएगी, बाप को ही बचाना पड़े। इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि शिव के बैल को सांप ने बचा लिया। और मुरली में बोला है बीमारी में सर्जन की मत ले सकते हैं, तो क्या बेहद के सर्जन मत देंगे? मत तो दे दी है। सारी बीमारियों की जड़ क्या है? है? सारी बीमारियों की जड़ है विकार। विकार अगर छोड़ दें तो बीमारी अपने आप ही ठीक नहीं ठीक होने लगेगी। एक मुरली में बाबा कहते हैं कि मैं सन्यासियों को मिलता नहीं हूं, मैं तो गृहस्थी धर्म स्थापन करने आया हूं, तो गृहस्थियों को मिलता हूं, तो बाबा गृहस्थी धर्म माना क्या?
अरे नाम ही उसका क्या है, ग्रह स्थिति, जिनकी स्थिति काय में रहती है। ग्रह माने घर, और घर को ईंटों को घर कहा जाता है क्या है? ईंटें क्यों, ईंटों को इकट्ठा कर दो तरतीब से तो वो घर थोड़ा ही हो गया। इसलिए बोला है, शास्त्रों में भी बोला है, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते, ग्रहणी ग्रहम उच्यते। क्या घर को घर नहीं कहा जाता, लेकिन जो घर को संभालने वाली गृहिणी है वो ही घर है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदसम्मतम, जो घर है अगर उसमें गृहिणी नहीं है तो वो जंगल है। क्या वो कांटों का जंगल है, सुख का स्थान नहीं है। इसे क्या साबित हुआ? साबित हुआ कि मैं ग्रह में जो स्थित रहते हैं, माने गृहिणी में जो स्थित रहते हैं, मैं उनको मिलता हूं। इसलिए बोला रामकृष्ण की आत्माएं धरणी में और कच्छ मच्छ अवतार पानी का आधार लेते हैं, रामकृष्ण की आत्माएं गृहिणी का आधार लेती है। पावन होने के लिए जो और धर्म की आत्माएं वो कच्छ मच्छ की तरह, जानवरों की तरह पानी अर्थात ज्ञान जल का आधार लेके चलते हैं, गृहिणी को महत्व नहीं देते हैं। और हाँ जी बाबा, और सत्संग में पेरेंट को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन आपका जो सत्संग है उसमें पेरेंट को बहुत महत्व दिया जाता है। आपने जो भाई बहन है उनकी चेहरे पर रौनक आती है, और उनके चेहरे पर कितनी रौनक दिखती बोलो, क्योंकि आप और सत्संग में उनके चेहरे पर कितनी रौनक दिखती क्या मुझे वो चेहरे दिखती, लेकिन आपने जो भाई बहन है उनके चेहरे की तरफ देखे तो दिखती। वो आसाराम बापू के कहेंगे तुम्हारा, तुम्हारे गुरु के चेहरे में कोई रौनक नहीं है, मेरे चेहरे में देखो कैसी रौनक है। हमारे हमारे जो फॉलोअर है उनके भी चेहरे पे रौनक है, तुम्हारे जो फॉलोअर हैं वो कितने दुखी रोगी परेशान रहते हैं। अब तुम बोलते रहो उससे क्या होता है, वो अपनी बात बोलेंगे, तुम अपनी बात बोलो, सच्चाई क्या है? क्या क्या बाबा के सामने आएंगे तो खुश रहेंगे, बाहर की दुनिया में जाएंगे तो मुंह लटका लेंगे। ये थोड़ा ही बाबा तो यही बताया, यहाँ आते हैं तो खुश नसीब देखने में आते हैं, बाहर जाते हैं तो माया पकड़ लेती है। श्रावण मास में शिवजी के मंदिर में माता और भाइयों ने अच्छी सर्विस की है, जो नए 8 पॉइंट निकले हैं उनके स्टिकर चिपका के कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है तो कहाँ है गीता का भगवान, कृष्ण नहीं है। तो कौन है, इन बातों को बोर्ड पर लिखा तो है, बहुत आश्रमों पर भी ये पड़ा हुआ है,
लेकिन इस बोर्ड पर जो ये पॉइंट लिखे हैं उसमें संस्था का पता नहीं है। तो पता डालना जरूरी है क्या? है जरूरी है? नहीं, आजकल तो मोबाइल नंबर चलता है, है? तो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, पूछो। और ब्रह्मा कुमारियों की एडवांस पार्टी वालों का कोई पता होता है क्या? है? नीचे वालों का पता होता है कि ऊपर वालों का पता होता है? है? नीचे अगर एडवांस पार्टी हो तो उसका पता भी हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के एडवांस पार्टी वाले कहाँ हैं? ऊपर हैं, तो उनका पता लिखने की क्या जरूरत? वो तो पता होता ही नहीं। और बाबा कृष्ण के हाथ में काठ की बांसुरी क्यों दिखाते हैं, बताओ भाई? है? अरे काठ की बांसुरी क्यों दिखाते हैं? इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण की आत्मा संगम युग में जो पार्ट बजाती है वो कठ बुद्धि का पार्ट बजाती है या चैतन्य बुद्धि का पार्ट बजाती है? है? कठ बुद्धि का पार्ट बजाती है। जो भी मुरली चली या चलाई गई है उसके अर्थ को कृष्ण की आत्मा समझती है क्या? नहीं समझती। तो कठ बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? कठ बुद्धि हुई। इसलिए भक्ति मार्ग में कृष्ण को काठ की मुरली दिखाई है। और शांति।